प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है और आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर वैसे इन्वेस्टर जिसने म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो वॉच करें, बहुत नॉलेजेबल है, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर किसी तरह का वैल्यू एडिशन हो वीडियो को वॉच करते वक्त, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरह से समझें। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जिससे हम अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड, एक बार आपने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि आपको म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको खुद का KYC कराना है। KYC का मतलब क्या हुआ? नो योर कस्टमर या फिर नो योर क्लाइंट। KYC में आपको खुद का बेसिक डिटेल्स देना होता है ना, लाइक नेम क्या है, एड्रेस क्या है, बेसिक डिटेल्स। तो इसमें आपको एक पैन कार्ड कॉपी की जरूरत होगी, एक आधार कार्ड कॉपी का जरूरत होगा और एक फोटोग्राफ का जरूरत होगा, ऑफ कोर्स ओरिजिनल भी रिक्वायर्ड होगा। तो एक बार आपने KYC कर दिया, उसके बाद, सिर्फ एक बार KYC करना है, उसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पे ऑफ कोर्स क्वेश्चन आता है KYC कहां करेंगे। देखिए, KYC आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में जाएं, वहां पे KYC कर सकते हैं। सिर्फ ऑफ कोर्स पैन कार्ड ओरिजिनल, आधार ओरिजिनल और एक फोटोग्राफ लेते जाए, ये सब बेसिक है, और एक चेक लिफ भी लेते जाए। तो ये बेसिक चीज़ें अपने साथ ले जाएं, ओरिजिनल आराम से हो जाएगा। उसके अलावा आप कैम्स या कार्वी के ऑफिस में जा सकते हैं, ये रजिस्ट्रार्स हैं, यहाँ भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं ना जो कि वीडियो KYC करते हैं, वीडियो KYC मीन्स ऑनलाइन KYC, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आपने KYC कर लिया, यू आर रेडी टू गो, कहीं भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करने से पहले और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो हम इन्वेस्टमेंट करें वो सही तरीके से करें। क्योंकि कोई भी काम जब आप करते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप उसे सोच समझ कर करें, और ये तो आपका हार्ड अर्न मनी है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल आपको सोच समझ कर ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने वैसा नहीं किया तो मोस्टली आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होगा वो अच्छा नहीं होगा, और यहाँ अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया तो कई केसेस में आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले, लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले, आप इन 5 पॉइंटर्स को ध्यान में रखें। अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखा तो मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी अच्छा बीतेगा। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है गोल। देखिए, जब भी आप घर से निकलते हैं ना, तो आप डिसाइड करते हैं मुझे कहाँ जाना है, या फिर कोई भी काम आप लाइफ में करते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको करना क्या है। एक बार आपने गोल बना लिया तो उसके बाद वहां पहुंचने का रास्ता आप ढूंढते हैं। तो यहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले गोल डिसाइड करना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट गोल बहुत तरीके के हो सकते हैं ना, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल आप बना सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन का बना सकते हैं, मैरिज का बना सकते हैं, घर खरीदना है उसका बना सकते हैं। तो किसी के भी गोल हो सकते हैं, एक गोल बना सकते हैं, 2-3 गोल भी बना सकते हैं, और अलग अलग गोल के लिए अगर आप चाहें तो अलग अलग पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, क्योंकि सबका जनरली इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग होगा। तो ये सबसे पहले आप गोल डिसाइड करें। नंबर सेकंड क्या है? रिस्क प्रोफाइल। आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं? कि म्यूचुअल फंड में तो सभी तरह के प्रोडक्ट हैं, कम रिस्क वाले भी हैं, ज़्यादा रिस्क वाले भी हैं। लेकिन अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आप रिस्क प्रोफाइल जरूर चेक करें। रिस्क प्रोफाइल अगेन, ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट phronesisinvestor.com पे भी आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करें, वहां पे आपको पता चलेगा कि रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है या मॉडरेट है या फिर अग्रेसिव है। मॉडरेट मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और अग्रेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आपका एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है तब तो आप किसी भी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मॉडरेट है तो सोच समझकर थोड़ा बहुत ही इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करना है कि जो भी गोल आपने बनाया है वो कितने साल का गोल है। लाइक रिटायरमेंट के लिए आपने एक फाइनेंशियल गोल ना डिसाइड किया कि मुझे 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है,
तो उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कितने साल बाद आपको ये पैसा चाहिए। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया 20 ईयर्स के बाद मुझे 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा 20 ईयर्स का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गोल डिसाइड करना है, उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करना है। एक बार आपने ये सब डिसाइड कर लिया तो यहाँ आपको पता चलेगा ना आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते, कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद आप डिसाइड करेंगे एसेट एलोकेशन, ये है नंबर 4th। एसेट एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं उसमें आप कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने एसेट क्लासेस हैं। तो जनरली 4 एसेट क्लासेस हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो एक हो गया इक्विटी ऑफ कोर्स, जो कि बहुत रिस्की है, रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलता है। दूसरा है डेट फिक्स्ड इनकम, थर्ड हो जाएगा रियल एस्टेट, और 4 कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मोस्टली हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत सिल्वर में भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इक्विटी में आप कितना करेंगे ना, कमोडिटीज़ गोल्ड में कितना करेंगे, रियल एस्टेट में कितना करेंगे, डेट में कितना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेट का मतलब क्या, और डेट का जो भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है या फिक्स्ड इनकम ना, लाइक PPF आप कर रहे हैं, EPF है, ये सभी कुछ डेट में आएगा, या फिर बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी डेट में आएगा, या जो म्यूचुअल फंड है डेट म्यूचुअल फंड वो भी डेट में आएगा, फिक्स्ड इनकम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तब तो आप ऑल 4 एसेट क्लासेस में अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है और आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का, तब कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप डेट में ज़रूर रखें। 100% इक्विटी में कभी नहीं रखें, बहुत रिस्की हो जाएगा, कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, आपका कई बार हो सकता है प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाए, तो उस समय कई बार डर कर लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं क्योंकि उनके पास बाकी पैसा ही नहीं है ना, पूरा गिर गया है। तो इसीलिए पूरा पैसा इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करें, उतना ही इन्वेस्ट करें जो कि आप कई सालों तक टच नहीं करें। गिर गया गिरने दीजिए, लॉन्ग टर्म का है ना, आपने इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 ईयर्स का रखा हुआ है, तो फिर अगर गिर जाता है आपको क्या फ़र्क पड़ता है, 20 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो उसे आप छोड़ दें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ जो रिटर्न्स बनेगा वो लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। तो वहाँ पे ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। तो अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो अच्छा यही होगा कि इक्विटी में ज़्यादातर इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा डेट में रखें। बहुत ज़्यादा पैसा है तो सारे एसेट क्लास में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5th आप डिसाइड करेंगे मार्केट कैप एलोकेशन। एक बार आपने इक्विटी का एलोकेशन डिसाइड कर लिया, लाइक देखिए इक्विटी का एलोकेशन आप कैसे डिसाइड करेंगे, एसेट एलोकेशन भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव आता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर से ज़्यादा है, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो टोटल कॉर्पस का इवन 70-80% इक्विटी में रख सकते हैं, बाकी 20-30% डेट या फिर दूसरे एसेट क्लासेस में रख सकते हैं। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे, तो कोशिश कीजिए कि अबाउट 40-50% इक्विटी में रखें और बाकी का डेट या फिर दूसरे एसेट क्लास में रखें। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो एक बार आपने इक्विटी डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे 40-50% या फिर 20-30% या फिर 60-70% इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेंगे, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप के स्टॉक में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, अग्रेसिव या वेरी अग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट होराइजन में 10 ईयर्स उससे ज़्यादा है, तब तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है तो वहाँ पर ट्राई करें कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और एनी हाउ अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, किसी का आप हेल्प भी नहीं ले रहे हैं, तब तो शुरू में एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि मिड कैप स्मॉल कैप को अवॉइड करें, एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाए, उसके बाद स्लोली आप अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। इस वीडियो में अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया, एक बार आपने वो सभी कुछ डिसाइड कर लिया, समझ लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम जाएंगे कि किन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। हमेशा ध्यान में रखें, म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डिसीजन आप फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल भी नहीं करें, बिल्कुल रॉन्ग होगा वहाँ पे। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया, पहले वो सब डिसाइड कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद आप सेकंड स्टेप में जाएं। सेकंड स्टेप में हम जानेंगे कि किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कि यहां पे आप ध्यान में रखें कि 3 तरीके के फंड्स जनरली आप डिवाइड कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को। एक हो गया इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड का मतलब क्या हुआ कि जो भी इंडेक्स है, बेंचमार्क है, उसमें जो भी स्टॉक्स हैं, जिस प्रोपोर्शन में है, उन्हीं स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसी प्रोपोर्शन में करेगा, ठीक है। लाइक निफ्टी 50 में इंडिया की मार्केट कैप वाइज जो टॉप 50 कंपनीज होती है ना, सबसे बड़ी कंपनीज इंडिया में, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके बाद की जो 50 कंपनीज है मार्केट कैप वाइज, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। दोनों लार्ज कैप का हुआ। तो यहाँ पे एज अ ना न्यू इन्वेस्टर कोशिश करें कि आप लार्ज कैप से ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। उसके लिए ऑफकोर्स इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
उसके अलावा सेकंड होगा डाइवर्सिफाइड फंड्स। डाइवर्सिफाइड फंड्स मींस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बहुत सारे कैटेगरीज हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। इन फंड्स को डाइवर्सिफाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन फंड्स का एक्सपोजर डिफरेंट सेक्टर्स में होता है, बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, कहीं कोई कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं होता है। ये नंबर सेकंड हुआ। सो नंबर वन इंडेक्स, नंबर सेकंड डाइवर्सिफाइड, और नंबर थर्ड होगा सेक्टर या थीमेटिक फंड्स। तो इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सेक्टर थीमेटिक मतलब क्या हुआ, लाइक आईटी सेक्टर का फंड हो गया, बैंकिंग सेक्टर का फंड हो गया, फार्मा सेक्टर का फंड हो गया, या बिजनेस साइकिल का फंड हो गया। तो ये सब ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं। तो जब तक आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया ना हो, तब तक सेक्टर और थीमेटिक फंड से दूर रहें, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है। सो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ दो ऑप्शन ही अच्छे माने जाते हैं, एक तो आप या तो इंडेक्स फंड के लिए जाएं या फिर डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए जाएं। यहाँ पे आप कुछ निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे फंड्स यहाँ दिख रहे होंगे, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा हो, इतने सारे फंड्स हैं किस फंड में इन्वेस्ट करूँ। तो देखिए, इसमें से सिर्फ आपको एक फंड ही सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक फंड सफिशिएंट है, दो फंड की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फंड इसमें आप सेलेक्ट कर लें। कैसे पता चलेगा कौन फंड अच्छा है, तो ये सारे ही फंड्स अच्छे हैं। देखिए, इंडेक्स फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है। यहाँ पे आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न। देखिए, ये है बेंचमार्क का रिटर्न। तो बेंचमार्क के मुकाबले आप रिटर्न्स का कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो भी बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है, जो सबसे पास का रिटर्न जनरेट कर रहा है, उसे ही सबसे अच्छा इंडेक्स फंड माना जाएगा। तो इतने सारे फंड्स हैं, कोई भी एक फंड इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। खुद भी आप रिटर्न चेक कर लें, जो आपको अच्छा लगे उसके लिए आप जा सकते हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्ट फंड होता है लार्ज कैप का फंड। हाँ, तो लार्ज कैप में आप इंडेक्स फंड के लिए जा सकते हैं या फिर एक्टिवली मैनेज्ड फंड के लिए जा सकते हैं। तो ये इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का कोई खास काम नहीं है, निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, और जो भी वेटेज है उन्हीं 50 स्टॉक्स में उसी परसेंटेज में इन्वेस्ट कर देगा फंड मैनेजर। इसलिए इंडेक्स फंड बोलते हैं, इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है यहाँ पे। तो कोई भी एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सेकंड फंड चाहते हैं कि सेकंड इंडेक्स फंड मेरा कौन सा हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये होगा सेकंड फंड आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों ही लार्ज कैप के पार्ट है, क्योंकि लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स होते हैं। तो सबसे जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं सबसे बड़े, वो निफ्टी 50 में जाता है, उसके नीचे के जो 50 स्टॉक्स हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आता है। यहाँ देखिए बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यहाँ पे भी उसी तरह से आप रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हैं, बेंचमार्क के आसपास जिसका रिटर्न है उसे अच्छा इंडेक्स फंड मानेंगे। तो यहाँ भी बहुत सारे फंड्स हैं, तो क्योंकि सबका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, आसपास ये रिटर्न है, तो कोई भी एक फंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर सबसे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए इक्विटी में, इक्विटी तो सब कुछ रिस्की है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी सेफ है इक्विटी में, इक्विटी सभी कुछ रिस्की होता है। हाँ, रिस्क थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर सबसे कम रिस्क चाहिए इक्विटी में, निफ्टी 50 के लिए जाइए। अगर उससे ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए जा सकते हैं। अगर आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो निफ्टी 50 आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों में ही 50-50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, और कोई भी ओवरलैप नहीं है। दोनों में जो 50 स्टॉक्स होते हैं बिल्कुल अलग है, तो दोनों में एक साथ इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सिर्फ एक एक फंड ही दोनों से आप सेलेक्ट करें, किसी में भी आप दो फंड सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि दोनों ही फंड का इन्वेस्टमेंट एक जैसा हो जाएगा। इसलिए नाउ अब होगा कि इंडेक्स फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बेंचमार्क को तो बीट ही नहीं कर पाता है, मुझे एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये है लार्ज कैप का एक्टिवली मैनेज्ड फंड। देखिए, एक्टिवली मैनेज्ड फंड का मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर इसे एक्टिवली मैनेज करेगा, मतलब कि अपने हिसाब से जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं लार्ज कैप का, उसमें से वो 40-50 या 60 स्टॉक्स सेलेक्ट करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, और कोशिश करेगा कि बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे। तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बेंचमार्क है उसे ज़्यादातर केसेस में वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे। दैट्स वाई यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहा है, लाइक म्यूचुअल फंड कंपनी, तो फ्री में तो करेगा नहीं, आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो जो चार्ज आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं फंड्स को मैनेज करने के लिए, उसी को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो इंडेक्स फंड के मुकाबले एक्टिवली मैनेज्ड फंड का एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज़्यादा होगा। यहाँ भी देखिए बहुत सारे फंड्स आपको दिख जाएंगे, क्योंकि इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो जो भी फंड्स अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में बीट कर पा रहे हैं, उन सारे फंड्स को मैंने इंक्लूड किया है। आप किसी भी एक फंड में अपना यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान रखें कि अगर कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, निफ्टी 50, तो उसको फिर
इस लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। निफ्टी 50 और ये जो लार्ज कैप के ये जो फंड्स हैं, इनका अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे, स्टॉक्स किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो ज़्यादातर सेम होंगे। तो या तो आप कंपोजिशन बनाएं निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का, वन इंडेक्स फंड ईच, एक वो हो सकता है, या फिर लार्ज कैप का एक एक्टिवली मैनेज फंड जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ओवरलैप ज्यादा नहीं होता है। बट एनी हाउ, अगर आप चाहें तो ओवरलैप एक बार चेक कर सकते हैं। इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? अगेन आप बेंचमार्क से कंपेयर करें ना, ज्यादातर होराइजन्स में आप देखेंगे कि ये जो फंड्स है अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अंडर परफॉर्मेंस मीन्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कुछ महीने का अंडर परफॉर्मेंस या एक साल का अंडर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ज्यादातर होराइजन्स में सिर्फ हमें देखना है कि बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट करे या फिर उसे बीट करे। लार्ज कैप कैटेगरी के बाद अगर नेक्स्ट कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो नेक्स्ट कैटेगरी होगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। इसमें से भी कोई एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ भी देखिएगा, ज्यादातर होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 500 और बीएससी 500। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज कैप का 100 स्टॉक्स, मिड कैप का 150 स्टॉक्स और स्मॉल कैप का 250 स्टॉक्स। तो ये जो फ्लेक्सी कैप के फंड्स हैं, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रपोर्शन में। फंड मैनेजर बेसिस मार्केट कंडीशन डिसाइड करता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स को सेलेक्ट करें जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो ये मार्केट कैप एलोकेशन में आपको ये पता चलेगा। म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर उसका फैक्ट शीट चेक करेंगे। एवरी मंथ फैक्ट शीट आता है, फैक्ट शीट में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। या फिर जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं ना, वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल, मॉर्निंग स्टार, वहाँ भी अगर आप चेक करेंगे तो ज़्यादातर केसेज में आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स का मार्केट कैप एलोकेशन का डिटेल्स मिल जाए। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप में कम रहना चाहिए। अब इसके बाद अगर किसी को थर्ड या फोर्थ फंड सेलेक्ट करना है, तो ऑफकोर्स आपको रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर डिसाइड करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं ना, रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है, वेरी अग्रेसिव है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप फिर मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में भी अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। एक बार आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना है? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप ट्राई करें कि एवरी 3 या 4 मंथ्स में या फिर एवरी 6 मंथ्स में एक बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर कर लें। पोर्टफोलियो का रिव्यू करने का मतलब ये हुआ कि जिन भी फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? तो बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न्स चेक करेंगे। देखिए, बेंचमार्क से आप लोगों को हमेशा क्वेरी आता है, बेंचमार्क कहाँ मिलेगा रिटर्न्स? देखिए, सारे वेबसाइट जो भी हैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड वेबसाइट, सभी जगह आपको स्कीम और बेंचमार्क दोनों का रिटर्न मिल जाएगा। वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल है, मॉर्निंग स्टार है, इसी तरह से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, सभी जगह आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस भी स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया, देखिए कि बेंचमार्क के मुकाबले कैसा रिटर्न है, या फिर जिस ऐप के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया वहां भी मोस्टली आपको इस तरह के डिटेल्स मिल जाएंगे। यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर कोई फंड बेंचमार्क से थोड़ा बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। कोई भी कितना भी अच्छा फंड हो, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आता है। कोई भी फंड अगर 2 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेंचमार्क के मुकाबले अंडर परफॉर्म करे, तो वहाँ पे हमें फिर ध्यान देना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या फंड चेंज कर लें। अगर फ्यू मंथ्स का थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है या बेंचमार्क से थोड़ा बहुत कम रिटर्न है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लॉन्ग टर्म तक हमें फंड्स में बने रहना है। बट हाँ, कोई ऐसा फंड जो कि 2 साल से भी ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वहाँ अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, उसी कैटेगरी में ज़्यादातर जो दूसरे फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, ये फंड बिल्कुल रिटर्न नहीं दे रहा है, वहाँ पे ऑफकोर्स हम कॉल ले सकते हैं कि उस फंड का क्या करना है। बट हाँ, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस के कारण किसी भी फंड से नहीं निकले। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेरी ये आता है कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, लाइक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, या फिर लमसम, दैट इज़ एक बार में ही पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दें। तो देखिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो लमसम तो बिल्कुल ना करें, सबसे पहले आप ध्यान में रखें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा मार्केट का आइडिया है, सब जानते हैं, तब लमसम कर सकते हैं, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हो तो लमसम करें। लेकिन अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, कोई गाइड भी आपको करने वाला नहीं है, तो लमसम नहीं करें। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन आता है, SIP और STP। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है ना, एवरी मंथ आपको सैलरी आ रहा है, उसमें से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो SIP आपके लिए बेस्ट है। एवरी मंथ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट अमाउंट है, 1,000, 5,000, जो भी,
उस पैसे का आप SIP कर सकते हैं। ज़्यादा स्कीम सेलेक्ट नहीं करें, ठीक है, 2-3 स्कीम से स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 स्कीम, उससे ज़्यादा स्कीम रखने की ज़रूरत नहीं है। और डाइवर्सिफाइड फंड्स ना, लार्ज कैप का एक ले लिया, एक फ्लेक्सी कैप का ले लिया, हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मार्केट का थोड़ा आइडिया हो गया, तो वहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप भी ऐड कर सकते हैं, या फिर एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं, बहुत हो गया 4-5 फंड्स, इससे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा पैसा है, लमसम पैसा, उसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, इन दैट केस आप STP करें, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, पूरा पैसा आप किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दें और वहाँ से सिक्स मंथ्स का STP करें, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो उस लिक्विड फंड से एवरी मंथ 6 मंथ्स तक लगातार आपका पैसा लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होगा। तो इन सारे SIP STP पे भी डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, सेक्टर फंड, सारे टॉपिक्स पे, सारे कैटेगरीज पे डिटेल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप सिर्फ सर्च पे जाएं, वहाँ पे टाइप करेंगे स्मॉल कैप फंड, जो लेटेस्ट वीडियो वॉच कर लें, मिड कैप फंड, जो लेटेस्ट वीडियो वॉच कर लें, तो सभी कुछ अवेलेबल है, सिर्फ सर्च पे जाके आपको सर्च करना है। सो दैट सेट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो ट्राई करूंगा आपके क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।